लेकिन मैं आपका वीडियो के वैसे का ये प्रोसेस ना आगे नहीं बढ़ा तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत हमारे स्टूडियो में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप भी HDFC बैंक पर अपना ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं तो सेविंग अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको वीडियो KYC या बुक करनी पड़ती है, जो कि आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। तो उस वीडियो KYC में क्या पूछा जाता है, वीडियो KYC कैसे होती है, वो सारी डिटेल हम इस वीडियो में जानने वाले। अगर आप अपना ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो उसका हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि फॉर्म आप किस प्रकार से भरेंगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में बस आपको जो वीडियो KYC होती है वही बताने वाले कि मैं हमसे क्या पूछा जाता है और हमारी वीडियो KYC है वो किस प्रकार से होगी। तो चलिए हमारे मोबाइल स्क्रीन पर और देखते हैं कि हमारी जो वीडियो KYC है वो कैसे होती है, उसमें क्या क्या पूछा जाता है। For completing your video for your bank account, आप कौन सा लैंग्वेज में बात करेंगे, हिंदी या इंग्लिश में सर? जी मैम, हिंदी मैम। स्वागत करती हूँ आपका HDFC बैंक में, मेरा नाम मैं आपकी वीडियो कंप्लीट करूंगी सर। आपके नए बैंक अकाउंट के लिए मोबाइल ऊपर आप चेहरे के सामने रखिए और आपका नाम बताइए, कैमरे की तरफ देखकर दोबारा बताइए। आपका नाम बताने के लिए धन्यवाद, मैं आशा करती हूँ सर आपके घर परिवार में सब ठीक है, सब सुरक्षित है। धन्यवाद। आपके पास अभी ओरिजिनल पैन कार्ड पेपर और पेन रेडी है KYC के लिए? जी मैम है। धन्यवाद। अगर एक कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है नेटवर्क के कारण तो चिंता मत कीजिएगा, आप दोबारा से जुड़ सकते हैं। आप चलिए का इस्तेमाल कर रही है 3 दिन के लिए वैलिड होंगे। जी जी धन्यवाद। कैमरा चल रहा है कि नहीं देखना मिस्टर राठौर, आपका हाथ ऐसा लहराइए। धन्यवाद। बताना चाहूंगी सर ये कॉल कोई भी आपके जॉब ऑफर के लिए नहीं है, लोन के लिए नहीं है और लॉटरी के लिए नहीं है, सिर्फ नए बैंक अकाउंट की KYC का कॉल किया जा रहा है। तो आपकी अनुमति है मैं इस कॉल पे आगे बढ़ सकती हूँ? जी जी जरूर जरूर। धन्यवाद। अभी आपसे मैं कुछ सवाल पूछूंगी मिस्टर राठौर, इसका उत्तर आप कैमरे में देख के बताइए। जो डिटेल्स आपने आपके फॉर्म में लिखी है ना एप्लीकेशन में वही बताने। जी जी अगर तीसरे व्यक्ति की आवाज आती है या फिर आप कहीं पे पढ़ के बताओगे नीचे आवाज देखकर, तो मैं आपका KYC आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी बिकॉज रिकॉर्डेड कॉल है, तो प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, आप ही जवाब दीजिए। ओके जी मैम। धन्यवाद। मैं जान सकती हूँ मिस्टर राठौर आप कहाँ से बात कर रहे हैं, रांची शहर का नाम बताइए आपके? जी डिस्ट्रिक्ट है भीलवाड़ा, स्टेट है राजस्थान। आपका घर का एड्रेस, मेलिंग एड्रेस बताइए जितना आपको याद है। राजस्थान और पिन कोड है 311026। ओके धन्यवाद। क्या मैं जान सकता हूँ आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर क्या है इसका? 2163 2163 2163। धन्यवाद। आप क्या काम करते हैं, आपका व्यवसाय बताइए मिस्टर राठौर। जी मेरे खुद का बिजनेस है, CSC सेंटर वगैरह इनका। आपका खुद का बिजनेस चलाते हैं? जी आपका बिजनेस है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, राइट? खुद का CSC सेंटर चलाते हैं। धन्यवाद। मैं जान सकती हूँ पूरे साल की इनकम अपने फॉर्म में क्या लिखी है बताइए सर? 4,80,000 रुपए। 4,80,000 पूरे साल का इनकम लिख रहे हो? 4,80,000 के पास में लिखा था। और जो तो मैं कंसीडर करूँ 4,80,000 आपका इनकम है जो अपने फॉर्म में बताया सर? जी क्या मेरे में देखिए कंसीडर करूँ 4,80,000 है? जी धन्यवाद। माता जी का नाम बताइए आपके? देवी, DEVI। धन्यवाद। आपका जन्म कौन से राज्य में हुआ है सर? जी राजस्थान में। और अभी आप कौन से राज्य शहर से बात कर रहे हैं? राजस्थान से। सारे जवाब के लिए धन्यवाद, एक बार ऐसे कीजिए फिर सर। अभी मिस्टर राठौर ऊपर कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराइए, आपकी फोटो ले लेती हूँ मैं बैंक रिकॉर्ड के लिए सर। फोटो आपके आ गई है, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मोबाइल का पीछे वाला कैमरा चालू करिए, पीला कलर का एक बटन होगा क्लिक करके, और पीछे वाले कैमरे से आप पैन कार्ड बताइए मुझे। ऐसे रुकिए, इसकी फोटो लेनी है सर। पैन कार्ड ना हिलाइए मत, थोड़ा सा एकदम नजदीक लेके जाइए, रुक जाइए। अभी पैन कार्ड का फोटो मैंने ले लिया है, अभी पैन कार्ड का नंबर देके पढ़ के बताऊंगी। D7 और K2 बराबर है सर? जी मैम करेक्ट है। धन्यवाद मिस्टर राठौर। अभी आप मुझे आपके पिताजी का नाम बताइए। ओके धन्यवाद सर। आपके फ्रंट कैमरे में आ जाइए प्लीज। आपके मैं को डिटेल चेक कर रही हूँ, लाइन पे ही बने रहिए, आप कुछ समय के लिए मुझे देख या सुन नहीं पाओगे। ठीक है ठीक मैडम, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद सर। लेकिन आप चिंता मत कीजिएगा, कोई भी नजदीकी ब्रांच विजिट कीजिए, ओरिजिनल पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर KYC ना आपका नजदीकी ब्रांच में कम्प्लीट होगा। ठीक है जी मैम, क्या दिक्कत हो रही थी, कहाँ पे दिक्कत हो रही थी ये तो बता दीजिए सर। ये तो आपको बताना अलाउड नहीं सिक्योरिटी पर्पस की वजह से, लेकिन आप नजदीकी ब्रांच आओगे तो KYC वहाँ पे कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है नहीं पैन कार्ड से हो रही, मेरे फादर नेम से मेरे पास में एक और पैन कार्ड है इसलिए बोल रहा हूँ मैं।
सर मैं आपको बता नहीं पाऊंगी कि क्या एग्जैक्टली मार्क्स नहीं हो पा रहे, सिक्योरिटी रीजन के से। चिंता मत कीजिए, आप नर्सरी पांच जगह को डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो केवाईसी वहां पे आइडेंटिफाई करके कर देंगे, ठीक है। ओरिजिनल पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, ठीक है। धन्यवाद इस ट्रिप से बैंक को मिलने के लिए, आपके कीमती समय के लिए आपका शुक्रिया सर। जी थैंक यू। तो दोस्तों एक्चुअली में हमारे क्या हुआ था कि जो फादर नेम है उसमें और जो मेरे पास में ऐसे दो पैन कार्ड है जिसमें एक में फादर नेम सही है और इस एक में मेरा फादर नेम है क्या थोड़ा गलत है, तो इस वजह से मेरा अकाउंट ओपन नहीं हो सका। कोई नहीं, हम वो पैन कार्ड से वापस वीडियो केवाईसी करेंगे और आपको बताएंगे। तो चलिए आप प्रोसेस, मैं आपको वैसे एक्चुअल में प्रोसेस ही बताने वाला था और तो मैं आपको एक्चुअली में वैसे प्रोसेस ही बताने वाला था, मुझे वैसे भी सेविंग अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो मेरे को एक्चुअली में क्या बहुत सारे कमेंट देखने को मिल रहे थे, इस वजह से मैंने सोचा चलो एक और वीडियो बना के प्रॉपर इनको सबको बता दिया जाता। तो कुछ इस प्रकार वीडियो केवाईसी वगैरह होती हैं, आपकी भी हो जाएगी। आप नाम करेक्ट देखें और आप जो भी आप डिटेल कंप्लीट करें वो सेम टू सेम फील करें, याद रखें आपने क्या चीज़ फील की, तो वो चीज़ है। मैं वैसे मेरे को करवानी नहीं थी वीडियो के वाई सी, वीडियो के वाई सी क्या मतलब अकाउंट ओपन नहीं करवाना था मुझे, क्योंकि ऑलरेडी है हमारे जो मेंबर हैं उनके पास में अकाउंट है HDFC का और मुझे इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो अगर आपको ज़रूरत है आप इस प्रकार वीडियो अकाउंट जो ऑनलाइन अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का ये वीडियो था, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।